प्रदेश में जो फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं, उनको लेके एक याचिका दायर की गई थी और विशेषतः देहरादून के फ्लाईओवर्स के बारे में, जिसमें तो न्यायालय द्वारा पहले भी निर्णय दिया गया था कि भाई उसको फोर लेन की फिजिबिलिटी बनाई जाए। तो उसमें आज शपथ पत्र दाखिल किया गया कि फोर लेन की फिजिबिलिटी के स्थान पर एक उसी के एडिशनल एक टू लेन ब्रिज बनाए जाने के लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप जो है विद इन टू मंथ्स उसको आगे प्रोसेस करें। इसके अलावा जितने और ब्रिजेज हैं उनके बारे में शासन ने एक एफिडेविट फाइल किया, जिसमें उन्होंने डिटेल दी कि कुछ हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ अभी पेंडिंग है, कुछ में हमें जो है नाबार्ड से पैसा नहीं मिला है। तो नाबार्ड को भी डायरेक्शन दे दिया कोर्ट ने कि ये तुरंत फैसला रिलीज करें ताकि ये ब्रिज बने। और इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको भी स्वतः पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया, जिसपे उनके काउंसिल द्वारा बताया गया कि हम सितंबर 19 तक पूरे प्रदेश के अंदर जितने ब्रिजेज और ये फ्लाईओवर्स वगैरह बनने हैं हम कंप्लीट करके न्यायालय को रिपोर्ट से सौंप देंगे।